हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं दिन के 2 बजे से, और अभी हम लोगों का लंच नहीं हुआ है, बन गया है, अभी लंच करते हैं। और आज हमारे घर में है भजन कीर्तन। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, तो उसकी तैयारियाँ हम लोग कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको, ये कुसुम महाराज हैं, इनको आज नींद नहीं आ रही है, ऐसे खेलने में लगे हैं। यहाँ पे चल रही है पूजा की तैयारी। यहाँ पे बनेगा मंदिर। बज चुका है शाम का 4 और मैं तैयार हो गई हूँ भजन कीर्तन के लिए। मैंने पहन रखी है आज रेड कलर की साड़ी, और अभी तक कोई नहीं आया है, क्योंकि कल भी हम लोग जल्दी रेडी हुए, जल्दी चले गए थे और लोग 5 बजे आए, तो आज भी शायद लेट ही आएंगे, क्योंकि जल्दी कोई आ नहीं पाता है। दिन में लंच करने के बाद तुरंत कोई नहीं आता है, तो मन भी नहीं करता होगा आने का। तो अब सभी लोग आने वाले होंगे, सभी का वेट करते हैं हम लोग। और कुसुम को मैंने तैयार नहीं कर रखा, उसको मैं तैयार कर लेती हूँ पहले। ये है कुसुम महाराज, ये टीवी देख रहे हैं, वरना तो इतना परेशान कर देते हैं ये। अभी इनका टीवी में ध्यान लगा हुआ है। कुसुम आओ, तैयार हो जाओगे, कम ऑन चलो। यहाँ पे हम लोगों ने मंदिर बना रखा है। आज हम पहली बार कर रहे हैं अपने घर में भक्ति कीर्तन। तो हमारा मंदिर अंदर के रूम में है, तो अब अंदर जगह नहीं है इतनी ज्यादा, इस वजह से हम लोगों ने बाहर के रूम में ऐसे सोफे ओफे हटा के मंदिर भी यहीं पे बना रखा है। ये हो चुका है कुसु रेडी, और ये मम्मी जी भी रेडी हो गए हैं, चाची भी। यहाँ पे आ चुके हैं चाची लोग भी। हाय बोल दो चाची। यहाँ पर सभी को टीका लगाया जा रहा है। अभी बाकी लोग कोई नहीं आए हैं, हम ही लोग हैं, घर ही के लोग। चुके हैं, शुरुआत हो चुकी है। भूखा भी आया है, भूखे को भोजन दो माँ, भूखे को भोजन दो माँ, भूखे को
सभी लोग चले गए हैं भजन, शाम के 7 बज चुके हैं और भजन कीर्तन वगैरह भी समाप्त हो गए हैं। अच्छे से पूजा पाठ करके, आरती करके, सभी को प्रसाद देने के बाद सभी लोग अपने घर को चले गए हैं और बहुत अच्छा रहा, बहुत मन को शांति मिली। भजन वजन करके बहुत ही अच्छा लगता है नवरात्रि में, एकदम जिसके व्रत होते हैं उसको तो मन लगे ही रहता है बहुत अच्छे से। और हमारे डेली व्रत तो नहीं है, बट पूजा पाठ करने में, भजन गाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। अब पी लेते हैं शाम की चाय, चाय बनाती हूँ जल्दी से। कुसु भी आज सो गया है क्योंकि आज वो दिन भर सोया नहीं था, तो उसको आज नींद आ रही थी, बहुत परेशान सो रहा था वो भजन में। और दिन तो इंजॉय करता है वो, थोड़ी देर उसने आज इंजॉय किया लेकिन उसके बाद वो परेशान सो रहा था, तो अभी सो गया वो। जैसे आरती शुरू हुई वैसे वो भी सोया, वो तो सो चुका। हम लोग अब चाय वाय पी लेते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज है हमारे मोहल्ले में शूटिंग, हमारी गली में ये सेटअप कर रखा है शूटिंग का। हर एक घर में एक एक रॉड लगा रखा है, वो वहाँ उतनी लाइटें लगा रखी हैं, वहाँ उतनी लाइट लगा रखी हैं और सबके घर में एक एक रॉड लगा रखा है। ऐसे हमारे घर में भी लगा रखा है। ऐसे रॉड लगा रखा है, एक वहाँ लगा रखा है उनके घर पे और यहाँ भी लगा रखा है आंटी लोगों के घर पे, और सब जगह उजाला लगा रखा है ताकि बैकग्राउंड अच्छा चमके और अच्छा आए। ये बड़ी लाइट भी लग गई है। गुड मॉर्निंग एवरी वन, ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं नेक्स्ट मॉर्निंग से, क्योंकि कल शाम ना मन नहीं करा ब्लॉग बनाने का। फिर वैसे भी फिर थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर वही खाना पीना वगैरह करा और फिर सो गए थे, डेली के काम थे, तो फिर ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। तो अभी मैं मॉर्निंग से उसको दोबारा बना रही हूँ। कल हम लोगों ने सोफे वगैरह सब बाहर रखे थे, वही उनको सब अंदर रखना, साफ सफाई चल रही है। और अभी नाश्ता भी बनाना बाकी है मेरा, नाश्ता बनाती हूँ मैं। यहाँ पे सुबह सुबह सोफे लगा रहे हैं, कल बाहर रखे थे, अभी लगा दिए हैं अंदर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम अच्छा हो रहा है, धुतला सा हो रहा है आजकल ना, पूरे हवा में धूल ही धूल हो रही है, मौसम ऐसे हो रहा है। सो गाइस, इस ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं पे कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।